तो आज हमारे साथ जो मौजूद है वो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज है, सुरीली आवाज है, लियो बट इनका नाम है। मिलते हैं इनसे, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। पहले मुझे ये बताइए, लियो बट आपका असल नाम है? नहीं, असल नहीं है। असल में ये सोशल मीडिया पे मैंने लियो बट के नाम से मेरी आईडी थी, तो जो यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी तो वायरल हो गया, तो इसलिए उसी नाम को ले लियो। आपका स्टार है? लियो स्टार भी नहीं है, मजे अच्छा, की बात है। स्टार भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये, सोचा कि ये नाम क्लिक हो जाएगा। बेसिकली मैंने काफी देर पहले एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें मैं एक अपने फ्रेंड के साथ गाना किया था। वैसे तो मैं सिंगिंग करता हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने रैप किया था। अच्छा। उसका नाम लियो था, मैं बट था, तो लियो बट हो गया। तो वो खैर, तो आपका असल नाम क्या है? एहसन बट। एहसन बट, यानी आप याद रखिए इनका असल नाम भी, लेकिन बहरहाल ये लियो बट के नाम से मशहूर है। सिंगिंग का आगाज कब से किया आपने? सिंगिंग का आगाज ये है कि बचपन से शौक था। अच्छा। और सीखा है कहीं से आपने? सीखा फिर मैंने अभी रिसेंटली अलहमरा गया हूँ थोड़ी देर, वहाँ पे क्लासेस वगैरह भी ली हैं। तो लेकिन ये है कि लिसनिंग के साथ ज़्यादा, सुन के। ठीक। सुनता मैं हूँ, जो असल सिंगर जो गायक जो हमारी क्लासिकल मौसीकी है उसको मैं सुनता हूँ, और लेटेस्ट तो फिर ऑब्वियसली वो भी सुनते सुनते। सही। इससे पहले कि मजीद इनसे बात करें, पहले आप हमें कुछ सुना दें ताकि हमें पता हो कि कितना सुर है आपके अंदर। वैसे आज गला खराब है लेकिन सजाद अली साहब का ये गाना है। बने थे दोस्त दिल दुखाने को, बने थे दोस्त दिल दुखाने को, ये ही बहुत है दिल जलाने को। बने थे दोस्त, मैं तेरी नफरत लेकर चला हूँ, मैं तेरी नफरत लेकर चला हूँ, उदासियों के घर सजाने को, उदासियों के घर सजाने को, ये ही बहुत है दिल जलाने को। बने थे दो, हमें नाकाम होता देखने का, हमें नाकाम, हमें नाकाम होता देखने का, बड़ा ही शौक था जमाने को, बड़ा ही शौक था जमाने को, ये ही बहुत है दिल जलाने को। बने थे दो। बहुत ही खूबसूरत जनाब, बड़ा दर्द था आपकी आवाज में। सजाद अली साहब से इंस्पायर हैं आप? जी, उनको तो मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ। वैसे कौन से सिंगर है जिससे आप बहुत इंस्पायर हैं, पसंद हैं आपको? पाकिस्तान में तो वैसे सजाद अली साहब, इनको मैं सुनता हूँ और इनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो क्लासिकल के साथ साथ वो आजकल का जो लेटेस्ट स्टाइल में जो है वो सिंगिंग करते हैं, जो गिटार अनप्लग्स वगैरह पे, तो इसलिए वो मेरे फेवरेट है, उनको सुनता हूँ मैं। और रूहानी उस्ताद कौन है आपके? होता ना हर किसी को रूहानी उस्ताद होता है, सुन के सीखता है बंदा। वो तो मैं मानता हूँ, मोहम्मद रफ़ी जी
क्या बात है। और उनको मैं उस्ताद मानता हूँ रूहानी तौर पे, क्योंकि वो बड़ी दुनिया थे वो। अच्छा मुझे ये बताइए गरीबट साहब, कितना आप एक्सपोजर फील करते हैं नए आने वाले सिंगर्स को, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल सकती हैं, क्या होनी चाहिए? आजकल तो वैसे ये है कि सोशल मीडिया का जो है वो सारा ज़माना चल रहा है, जिसमें टैलेंट है और वाकई ही टैलेंट है और काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अपना लोहा मनवा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, आए अपने टैलेंट को शो करे, लोग उसको पसंद करेंगे, तो यही है। असल में मैंने भी इसी तरह बस वीडियोस बनाना शुरू किए टिकटॉक पे, तो टिकटॉक तो मतलब टिकटॉकर तो नहीं हूँ, खैर सिंगिंग का ही कंटेंट था मेरा, तो मैंने भी शुरू की, तो उसमें यह है कि मैंने कुछ डिफरेंट कंटेंट दिया लोगों को, स्ट्रीट सिंगिंग मैंने स्टार्ट कर दी माइक वगैरह लगा के, क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिथम है कि वहाँ पर कुछ अनोखा चाहिए तो वो लोग फिर देखते हैं, नॉर्मल तो सिंगिंग सब कर रहे थे, तो खैर मैंने उस तरीके से की तो वो क्लिक हो गई मेरी, तो अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और मुझे इवेंट्स वगैरह भी मिल रहे हैं और मेरा इंशाल्लाह अपना सॉन्ग भी मेरा आने वाला है। ठीक है, खुद कंपोज भी करते हैं? हाँ जी, कंपोज मैंने खुद किया लेकिन लिखवाया लिरिसिस्ट से, तो उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है, बस वीडियो शूट होने वाला है इंशाल्लाह। किस पे ज़्यादा गाने आपको पसंद है, पंजाबी उर्दू? पंजाबी उर्दू मतलब मिक्स किस्म के जो है वो गाने, लेकिन ज़्यादातर पंजाबी मुझे पसंद है, तो कुछ पंजाबी में भी हमें सुना दीजिए। पंजाबी में भी चले मैं ट्राई करूँगा। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला जा। ओ कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लोनू चीख पुकार वे, मेरे लोनू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, पास वे आ, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया लियो बट साहब आपका, और आपके लिए बेस्ट विशेस हैं कि आप मज़ीद तरक्की करें और लोग आपको ऐसे ही पसंद करते रहें, सराहते रहें, बेशक ऐसे ही नए टैलेंट को आपके सामने लाने की भी ज़रूरत है और ये दिखाने की ज़रूरत है कि हमारे नौजवानों में कितना पोटेंशियल मौजूद है।